मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास राइट नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन कोई भी अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि अपने को बहुत कई बार क्या है, लार्ज नंबर गिवन होते हैं, तो उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे राइट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मान लो आपको ये गिवन है, एक नंबर गिवन है 0 पॉइंट, एंड यहाँ पे कुछ 8 जीरोज हैं और उसके बाद में 657 मल्टीप्लाई बाय 10^15, ये गिवन है आपको। तो फर्स्टली आप क्या करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए, आप इसका जो पॉइंट है उसको रिमूव करोगे। तो पॉइंट रिमूव करने के बाद में आपको पता है कि हम पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट है उनको काउंट करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 11 डिजिट्स हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास जीरोस को छोड़ के, मीन पॉइंट के जस्ट बाद वाली जो जीरोस हैं उनको आप छोड़ के जब नंबर को राइट करते हो, डिनोमिनेटर में आपने जो है वन के बाद में उतनी ही जीरोज आपने यहाँ पे लगानी होती है जितने पॉइंट के बाद में डिजिट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 11 डिजिट है, हम यहाँ पे जीरोज लगाने के बजाय सिंपली इसको 10^11 राइट कर देंगे। मीन चाहे आप वन के बाद में 11 जीरोज लगाओ, चाहे आप 10^11 राइट करो, सेम थिंग है, और इनटू में 10^15 राइट करेंगे। सो इसको आपने पावर में ही राइट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर गिवन है, इसको सोल्व करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये न्यूमिरेटर एज इट इज राइट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने काउंट करने है कि आपके पास यहाँ पे कितने जो है, ये जो नंबर गिवन है उसमें कितने डिजिट गिवन है। अब देखो 1, 2, 3 डिजिट गिवन है ना, उससे एक कम पावर में, मीन आपके पास अगर यहाँ पे 3 डिजिट गिवन है तो आपके पास 10^2 होनी चाहिए, मीन 1 के बाद 2 जीरोस आपके पास डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, क्लियर है। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए तो आपने क्या किया, जो 10^11 थी उसमें से 2 जो है अलग राइट कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 डिजिट होते तो आप 10^3 राइट करते, अगर 5 डिजिट होते तो 10^4 राइट करते, मीन उसको अलग करके राइट कर लेते। तो हमने 10^2 अलग राइट कर लिया, बाकी बची 9, तो 10^9 आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट कर लिया, बाकी सेम एज इट इज है, 10^15 एज इट इज है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो इतना था 657 डिनोमिनेटर में 10^2, इसको अलग राइट कर लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 10^15 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में ये जो 10^9 था इसको आप न्यूमिरेटर में लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर है। मीन हमने जस्ट डिनोमिनेटर में जितनी हमें जीरोस चाहिए उसी को राइट करना है, बाकी आप न्यूमिरेटर में राइट करके लिखोगे, राइट करोगे। उसके बाद में आपने क्या किया, 10^2 जो है उसको हम यहाँ पे एज अ पॉइंट एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 10^2 का मीनिंग है 10^2 को अगर आप राइट करोगे तो 10 × 10 मीन 100 होता है, क्लियर है। मीन 100 को जब आप पॉइंट में डेसिमल में एडजस्ट करोगे तो 2 डिजिट छोड़ के, क्योंकि 2 जीरोस हैं, 2 डिजिट छोड़ के अपने पास यहाँ पे क्या लगा लोगे, पॉइंट। तो ये इसका यूज करके अपने पास आ जाएगा 6.57 मल्टीप्लाई में। अब देखो मैंने आपको बताया था सेम बेस हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ऐड होने का मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। मीन साइन जो भी है वही यूज करेंगे हम। तो 15 और ये -9 एज इट इज राइट करोगे और इसको सोल्व किया ये आ जाएगा 10^6, ये आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपको बी पार्ट गिवन है 8.578 मल्टीप्लाई बाय 10^5 मल्टीप्लाई 10^2। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमें यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में 10^ की नीड है या नहीं है। तो आप फर्स्टली देखो जो आपको नंबर गिवन है यहाँ पे क्या, 8.578 मीन जो भी नंबर गिवन है उसमें एक डिजिट को छोड़ के उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, मीन आपके पास पॉइंट के पहले एक डिजिट होना जरूरी है, क्लियर है। तो एक डिजिट है हमारे पास, मीन हमें डिनोमिनेटर में 10^ की नीड नहीं है या इसका पॉइंट हटाने की भी नीड नहीं है, ये नंबर एज इट इज रह जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखो 10^5 और 10^2 गिवन है,
अब सेम बेस है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास कोई साइन एट मीन प्लस का साइन लग जाएगा, तो 5 + 2 आपके पास 7 हो जाएगा, ये एज इट इज है, ठीक है। उसके बाद में एफ पार्ट आपके पास 10^6 मल्टीप्लाई बाय 0.001001 एंड यहाँ पे ना आपके पास बुक में 000 गिवन है, बट आंसर आपके यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये दिया हुआ है 001, मीन अगर लास्ट में यहाँ पे 1 के अकॉर्डिंग आंसर गिवन है तो आप यहाँ पे 1 राइट करोगे, क्लियर है। हमने क्या किया यहाँ पे देखो, पॉइंट के पहले 0 है, मीन कोई डिजिट नहीं है आपके पास। डिजिट का मीनिंग ये कि आपके पास 0 के अलावा कोई और डिजिट होना चाहिए, तो आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है पॉइंट को आपने रिमूव कर देना है। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 डिजिट है, तो आपने क्या पॉइंट हटा के डेनोमिनेटर में 10^9 राइट कर देना है, ऊपर वाला नंबर जो है वो एज इट इज। अब ये वाली जीरोज हम काउंट नहीं करेंगे, इसको चाहे राइट करो चाहे ना करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नहीं करेंगे क्योंकि आगे है, आगे आपको करना इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको राइट नहीं करेंगे, क्लियर है। आप देखो उसके बाद में हमारे पास इनको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डिजिट है ना आपके पास इस नंबर में, तो आपके पास कितने जो है 10^ कितनी चाहिए आपको, 6 चाहिए, एक कम चाहिए होती है डिनोमिनेटर में पॉइंट एडजस्ट करने के लिए, तो 10^6 को अलग राइट कर लोगे, बाकी कितने 3 बचे आपके पास, तो 10^9 में से 6 माइनस करोगे 3 बचे ना, तो 10^3 राइट करोगे। तो जो चाहिए आपको उसको डिनोमिनेटर में ही राइट करना है, और जो आपको नहीं चाहिए उसको न्यूमिरेटर में लेके जाओगे, तो ये 10^-3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो 10^6 था उसको यहाँ पे एडजस्ट किया डेसिमल, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये सेम बेस है, पावर्स एड हो जाएंगी, माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे, 6 - 3 राइट करोगे, ये नंबर एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा 10^6 - 3 कितना हो जाएगा 10^3 और मल्टीप्लाई में ये नंबर एज इट इज। उसके बाद में जी पार्ट आपको गिवन है, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं गिवन, कोई 10^ नहीं गिवन, ठीक है। आपने ये नंबर एज इट इज राइट कर लिया, उसके बाद में इसको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डिजिट है आपके पास, तो आपको डेनोमिनेटर में कितनी 10^ चाहिए, 7 चाहिए, एक कम चाहिए होता है, ठीक है। तो 8 है हमारे पास, तो हमें कितनी चाहिए, 7 चाहिए पावर में, तो आपने क्या कर लेना ऊपर नीचे 10^7 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जो डिनोमिनेटर वाला 10^7 है उसको यहाँ पे डेसिमल में एडजस्ट करोगे, तो 7 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10^7 एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद में सी पार्ट है 0.53 मल्टीप्लाई बाय 100, आपने यहाँ से पॉइंट हटा देना फर्स्टली, ठीक है। तो ये 10^ क्यों हटाया हमने, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है, हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, कोई अदर नंबर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, तो आपने इसलिए यहाँ पे आप क्या करोगे पॉइंट हटा दोगे, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको कैंसिल नहीं करना है, आपने क्या करना है, ये आपके पास 10^2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, हमें कितने जीरो चाहिए, 10 चाहिए, तो 10^1 जो है वो यहीं डिनोमिनेटर में राइट करोगे, और एक जो 10^ है वो न्यूमिरेटर में चली जाएगी, 10^1 वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैंने 10^2 में राइट कर लिया, क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये जो 10^1 था वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10^2 - 1, ठीक है, क्योंकि सेम बेस था, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, 2 - 1 हो जाएगा। उसके बाद में ये बचेगा आपके पास 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10^2 - 1 बचेगा। उसके बाद में आपको एक एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे गिवन है, ठीक है, उसको आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया ये आ जाएगा आपके पास, इसको ऐड करोगे तो 1552 आ जाएगा। इसके अंदर भी कोई भी पॉइंट नहीं है, तो आपने सेम करना है, देखो 4 डिजिट है आपके पास, तो पावर 3 आपने क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है ऊपर नीचे, और ये वाला जो 10^3 था वो यहाँ पे पॉइंट में एडजस्ट हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, क्लियर है। उसके बाद में ये जो ई पावर है ये भी इसी तरीके से है, यहाँ पे 10^3 जस्ट आपको गिवन है, आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, आपको 10^2 चाहिए डिनोमिनेटर में, उतने से ही मल्टीप्लाई कर दोगे आप ऊपर नीचे, ठीक है। ये 10^2 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और ये जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी,
तो ये बन जाएगा 8.717 मल्टीप्लाई 10^5। इसी टाइप से आपको एच पार्ट गिवन है। एच पार्ट में आपने देखो पॉइंट से पहले जीरो है, इसलिए पॉइंट हटाओगे 10^5 बन जाएगा, ठीक है। 10^8 आपके पास है, आपको यहाँ पे 10^1 चाहिए क्योंकि यहाँ पे टू डिजिट है तो 1 चाहिए पावर। इसको अलग कर लोगे, 10^4 अलग कर लोगे मल्टीप्लाई बाय 10^8, ये एज इट इज आपने राइट करना है, ठीक है। 10^4 आपको नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में लेके जाओगे यहाँ पे तो माइनस की पावर हो जाएगी, उसको ऐड कर दोगे पावर्स को तो 8-4 हो जाएगा। और 10^1 को यहाँ पे एडजस्ट किया 9.2, ठीक है। 9.2 मल्टीप्लाई 10^4 आपके पास बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट द नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मीन यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी, उसको यूजुअल फॉर्म में आपने राइट करना है। तो आपने क्या करना, मीन सिंपल फॉर्म में आपने राइट करना है। यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म आपको गिवन है, आपने पॉइंट हटा लेना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद में टू डिजिट है, 10^2 आ जाएगा। इसको न्यूमिरेटर में लेके चले जाओगे तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। पावर्स ऐड करोगे यहाँ पे आपके पास बचेगा 10^5। और क्योंकि आप 10^5 से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जस्ट आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 5 जीरोज लगा देनी है तो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, क्लियर है। उसके बाद में बी पार्ट आपको गिवन है 1.659 मल्टीप्लाई 10^-9। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, पॉइंट हटा दोगे तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो 10^3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये जो नेगेटिव पावर थी उसको। यहाँ पे इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने जस्ट किया है, तो यहाँ पे आप इसको डिनोमिनेटर में मीन इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में बढ़े हैं ना तो पावर्स ऐड हो जाएंगी जब इसके बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 3+9=12 हो जाएगा। और देखो अब 10^12 है तो आपको कितने क्या चाहिए, पॉइंट के बाद में 12 डिजिट चाहिए तो 4 तो ये है ही, ठीक है। 4 से पहले कितने बचे, 8 बचे ना, तो यहाँ पे 8 जीरोज लगा लोगे तो ये टोटल पॉइंट के बाद में 12 डिजिट बन जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद में थर्ड है, कन्वर्ट 200 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड एक्सप्रेस द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है आपने क्या करना है, 200 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। फर्स्टली तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। जिसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 जीरोज लग जाएंगी इसके साथ, तो टोटल ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 जीरोज आएंगे। तो टू मल्टीप्लाई में 10^7 सेंटीमीटर आपने राइट कर लिया, ठीक है। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ये सब कुछ आपको करने की नीड नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे 2.0 लगा दोगे। चाहे आप 2 को एज 2 राइट कर दो, ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो हमें 2.0 यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पॉइंट के बाद में, जितनी मर्जी जीरोज लगा दो, ठीक है। उसके बाद में जस्ट कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, कोई और डिजिट नहीं होना चाहिए, 0 जीरोज लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.0 और 10^7 एज इट इज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट 5.6 to 8 kg इंटू mg एंड एक्सप्रेस द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी क्या करना है, अब इसमें देखो 1 kg में 10 lakh mg होते हैं, मीन 6 जीरोज होती हैं, ठीक है। तो ये नंबर एज इट इज और 10^6 आप राइट करो, ठीक है। इसको मैंने पावर में राइट कर लिया, पावर नोटेशन में। उसके बाद में देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसको क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट है, पीछे वाले में ओनली 1 डिजिट था तो हमें जो डिनोमिनेटर में कुछ लगाने की नीड नहीं थी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 4 डिजिट हैं तो हमारे पास हमें 3 जो है 10^3 की नीड होगी, तो वो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये जो है 10^3 यहाँ पे एडजस्ट होके 5.628 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये ऐड होके 10^9 mg। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द डायमीटर ऑफ सन एंड अर्थ आर, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, ठीक है। आपने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है डायमीटर्स की। तो फर्स्टली डायमीटर ऑफ सन आप राइट कर लोगे, इतना जो गिवन है आपको। उसके बाद में डायमीटर ऑफ अर्थ राइट करोगे, रेशियो ऑफ डायमीटर्स आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डायमीटर ऑफ सन और रेशियो डायमीटर ऑफ अर्थ। तो फर्स्टली सन की जो डायमीटर है उसको राइट किया, रेशियो में जो अर्थ की जो डायमीटर उसको राइट किया।
उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो पॉइंट था उसको हटा दिया, ये 10 डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 जीरोज हैं। चाहे आप इसको 10^3 भी राइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या किया कि यहाँ पे देखो, ये जो 1 0 से 1 0 यहाँ पे अगर कैंसिल करोगे, यहाँ पे 8 जीरोज बचेंगी। उसके बाद में ये 3 जीरोज यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 4 जीरोज बचेगी, क्लियर है, मीन पावर 4 बचेगी। तो ये 10^8 बचा, ये 10^4 बचा। उसके बाद में जब आप इनको कैंसिल करोगे, आप रेशियो में ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से रेशियो में कैंसिल कर सकते हो। इक्वालिटी में भी आप न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हो, क्लियर है। हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे 4 जीरोस बची और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 बच जाएगा, क्लियर है। उसके बाद में देखो, ये 10^4 है, इसको मैंने 10,000 में कन्वर्ट कर लिया, ये एज इट इज राइट कर लिया। जो कैंसिल होता था मैंने 5 के टेबल में उसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 400 बचेगा, ठीक है, और ये बचेगा आपका 51। उसके बाद भी देखो, आपके पास 14 × 400 और रेशियो 51 एज इट इज की मल्टीप्लाई करो 5600 और रेशियो 51। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उसको लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हो।